दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी व्यंजन में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही हेल्दी ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो हमको हमेशा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना चाहिए, पर इस मॉल में खासकर ध्यान देना होगा अपनी इम्यूनिटी पे। इस काढ़े कम चाय कम इम्यूनिटी बूस्टर एक बार मेरे बताए अनुसार बनाइए और पिए। और ये काढ़ा इम्यूनिटी स्ट्रांग तो करता ही है, साथ ही साथ जिसको गले में तकलीफ़ है या सर्दी जुखाम है तो इसे ये 2 दिन पिए, फ़र्क पक्का नज़र आएगा। इसे बनाने में जिस भी सामान का उपयोग मैंने किया है वो आप सब लोगों के किचन में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। 5 मिनट में बनाएं इस काढ़े को, और जो जो मेरा ये वीडियो देख रहा है वो आज शाम को ही बनाए और कमेंट करिए अपना एक्सपीरियंस कि ये टेस्ट में कितने लोगों को अच्छा लगा और कितने लोगों को नहीं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैं ले रही हूँ गुड़। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 15 से 20 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा तेज पत्ता और सौंठ। सौंठ बिल्कुल ऑप्शनल है, सौंठ जिसके पास नहीं है वो अदरक भी डाल सकते हैं, सिर्फ चलेगा। अदरक ले रही हूँ, हल्दी ले रही हूँ 1/2 चम्मच और 1 इलायची 2 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी ले रही हूँ। जैसे कि हमको पता ही होगा हल्दी और अदरक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इस काढ़े के लिए हमको गुड़ का ही उपयोग करना है। हम इसमें हनी भी डाल सकते हैं, शक्कर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इस काढ़े में। अब एक बर्तन में मैं पानी ले लूँगी। मैं 1 कप काढ़ा बना रही हूँ तो मैं 2 कप उसी कप से मेजर करके पानी ली हूँ और हमें अब उसे इतना पकाना है कि वो वापस से 1 कप हो जाए। मैंने गैस ऑन कर दिया है, अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे, फिर गैस कम करके मैं डालूँगी इसमें सारे सामान। सबसे पहले मैं डालूँगी तेज पत्ता और सौंठ। सौंठ मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, ऐसे भी डालेंगे तो पक जाएगा। फिर ले रही हूँ लौंग, इलायची और दालचीनी। आप उसे कूट के भी डाल सकते हैं और खड़ा भी डालेंगे तो पक जाएगा सब। फिर डाल रही हूँ अदरक, तुलसी पत्ता आप ऐसे ही डालें या तोड़ के डालें। अब मैं ले रही हूँ हल्दी, गुड़। अब इन सबको मैं एक बार अच्छे से चला दूंगी और इसे पकने दूंगी जब तक ये आधा ना हो जाए पक के। तो 5 मिनट बाद ये पूरा पक चुका है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी और अब इसे छान लूंगी। आप इसे एक बार बनाइए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को और ये बहुत हेल्दी भी है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार का चाय स्किप करके आप ये काढ़ा पीजिए डेली, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा ये वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि और भी मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक के पहुँच सकें। थैंक यू।